तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने लिया है पोहा, ये आधा किलो पोहा है तो मैं आधा लूँगी, ये मैं आधा पोहा लूँगी, यानी ये करीब मेरा 250 ग्राम पोहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये जो पोहा था मैंने इसको सोख कर लिया है पानी में, धो के इसको छलनी में डाल दिया है। अब ये मुलायम हो गया है और साथ ही हमने ये गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और इसमें डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पे हम डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के लिए कढ़ाई का पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए। ये देखिए कढ़ाई का पानी सूख चुका है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। देखिए हमने ऑयल डाल दिया है। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे जीरा। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक का यूज़ किया, मैं इसे ही डाल दूँगी नमक। ठीक है, यहाँ पे मैंने हल्दी का यूज़ किया है, 1 चम्मच हल्दी का यूज़ किया मैंने, और साथ में थोड़ी सी मिर्ची डाल रही हूँ। मिर्ची की क्वांटिटी आप घटाए बढ़ा सकते हैं। अब ये मैंने पोहा है, मैं ये पोहा डाल दूँगी इसे। अच्छे से चला लूँगी। नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, अभी इसको अच्छे से कलर हो जाने तक सुबह से चलाते रहना है। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता होने वाला है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी होने वाला है। ये आप चाय के साथ, स्नैक्स के साथ में खा सकते हैं, और कभी आपको सफर में जाना हो तो भी आप इसको ले जा सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, 2 मिनट तक ये खराब नहीं होगा अगर हम इसे हवा में रखेंगे। देख सकते हैं आप कितनी जल्दी तैयार होने वाला हमारा नाश्ता है। अब इसमें हम साथ में ही डालेंगे मूंगफली के दाने, और ये जो मैंने भुजिया बनाई थी इसका मैंने शॉर्ट वीडियो दिया था, आपको भेजा था, तो आई होप आपने देखा होगा। मैंने इसी की तैयारी की थी और मैं के लिए भी बनाया था, तो आधा मैंने उसी दिन खा लिया था, आधा मैंने बचा लिया था कि मैं पूरी के लिए अच्छी बनाने के लिए मैंने पहले से फ्राई कर लिया था। तो ये देखिए इतना अच्छा हमारा पोहा फ्राई करके तैयार हुआ है। अगर झटपट नाश्ते में कुछ बनाना हो तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और स्लो रखेंगे इसको। हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ढक के रख देंगे ताकि जो थोड़े बहुत टाइट दाने हो तो वो एकदम नॉर्मल हो जाए। तो इसको गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर तक ढक के रखेंगे। तो ये देखिए हमारे जो पोहा बनकर तैयार हो गया हमारा नाश्ता। अब हम इसको एक सर्विस बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसको सर्विस बाउल में निकाल लिया है एक। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है एकदम। तो अब हम इसको चाय के साथ सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा पोहा बनके एकदम रेडी है। आप बताइए आपको आज की हमारी रेसिपी सुबह का नाश्ता कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरी रेसिपी आपको कैसे लगती है प्लीज़ कमेंट करके मुझको बताइएगा। तब तक के लिए मैं
नमस्कार बोलती हूँ आपसे, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।